Hello friends, in this lecture we will study the mechanical properties of the material. Mechanical properties कौन कौन सी होती है इसमें हम डिस्कस करेंगे. तो let us discuss you can see the property. The first one is elasticity. The second one is plasticity. The third one is ductility. The fourth is malleability. Fifth is stiffness. Sixth is brittleness. Seven is hardness. And eighth one is toughness. And ninth one is strength. तो ये सारी प्रॉपर्टी हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. देखते हैं. देखिए इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है. अगर हम किसी भी कंपोनेंट पे लोड लगाते हैं और उसको पुल करते हैं लाइक दिस, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. देखिए पहले लेंथ इसकी यहाँ से यहाँ तक थी फर्स्ट में, अब इसकी लेंथ बढ़ गई है, इतनी बड़ी यहाँ इतनी बड़ी. इसके मॉलिक्यूल सारे जो है डिस्टर्ब हो गए. लेकिन जब हमने ये लोड हटाया, ये वाला लोड अब मैं हटा देता हूँ, तो देखिए ये इनिशियल कंडीशन थी तो सेम फाइनल कंडीशन बन गई है. तो चेंज ही नहीं आया इसकी लेंथ में बिल्कुल भी. इसने आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो ऐसी वाली प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इलास्टिसिटी. द सेकेंड वन इज प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी में क्या होता है, देखिए ये हमारी कोई रोड है, अब हमने क्या करा इस पे फोर्स लगाया यहां पर एफ. अब देखिए इसकी जो लेंथ इनिशियल लेंथ थी और इस वाली में देखिए लेंथ इंक्रीज हो गई, अब यहां से यहां तक लेंथ हो गई इसकी, और इसके मॉलिक्यूल भी डिस्टर्ब हो गए. जब हमने इस लोड को हटाया आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड, अब मैं लोड को हटा देता हूँ, तो इस वाली इमेज में देखो इसकी जो इनिशियल लेंथ थी और फाइनल लेंथ, इसमें आपको चेंज दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत डेल्टा का. ये अपनी ओरिजिनल अवस्था में जा नहीं पाया, थोड़ा बहुत इसका लेंथ इंक्रीज हो गया. तो ऐसी वाली प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे प्लास्टिसिटी. द प्लास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू अंडरगो सम डिग्री ऑफ पोजीशन. यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया है, इसकी लेंथ परमानेंट इंक्रीज हो गई है. तो ऐसी वाली प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे प्लास्टिसिटी. द थर्ड वन इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच एनेबल्स इट टू ड्राउट इंटू थिन वायर्स. आपके पास कोई भी मटेरियल है उसको आपको थिन वायर में कन्वर्ट करना है. मान लो ये है आपके पास बार, इसको आप पुल कर रहे हो, तो इसका एरिया तो रिड्यूस होगा. देखिए लेंथ इसकी विड्थ जो है ब्रेड वो तो कम होगी और लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है. तो ऐसी वाली प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डक्टिलिटी. जैसे ये हमारा कोई पार्ट है, इस पर हम लोड लगा रहे हैं, तो ये देखिए थिन वायर में कन्वर्ट हो रहा है. सिमिलरली ये जो है बार है, कॉपर की बार, इसको हम पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो इसका जो जब डायामीटर है, जो इनिशियल डायामीटर और फाइनल डायामीटर, देखिए फाइनल डायामीटर बहुत कम है. तो दिस इज डक्टिलिटी. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी. द नेक्स्ट इज मेलेबिलिटी. मेलेबिलिटी क्या है कि हमारे पास कोई भी, मान लो ये मेटल है ब्रास का, अगर हम इसको हथौड़ा मारकर शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है हैमर्ड इनटू ए शीट, अगर हम इसको ये देखिए शीट में कन्वर्ट कर दिया, इस वाली प्रॉपर्टी को बोलेंगे मेलेबिलिटी. अगर हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने बताया था, उस वाली प्रोसेस को बोलेंगे डक्टिलिटी. ये डक्टिलिटी है, ये मेलेबिलिटी है.
नेक्स्ट इज ये मेलेबिलिटी, देख लीजिए ये हमारा कोई गोल्ड था, इसको हमने हैमरिंग प्रोसेस किया और ये थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया, इस प्रोसेस को बोलेंगे मेलेबिलिटी। गोल्ड जो है हमारा मोस्ट मेलेबल मेटल होता है। नेक्स्ट इज स्टिफनेस, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन और डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड स्टिफनेस और रिजिडिटी, इसको हम रिजिडिटी भी बोलते हैं। क्या है ये, मान लो ये रोड है आपके पास, सॉरी मान लो ये रोड है, इस पे आप लोड अप्लाई कर रहे हो और ये लोड को रेजिस्ट कर रहा है, ये कह रहा है कि लोड लगा लो मैं डिफॉर्म नहीं होऊंगा, तो इसकी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है। अगर ये बोलता है कि यस तुम लोड लगाओ मैं डिफॉर्म हो जाऊंगा लाइक दिस, तो इसकी स्टिफनेस कम है। देखते हैं इमेज में, देखिए इसमें दिखाता हूँ आपको, इसमें देखिए सेम लोड लगा रहा हूँ मैं इन दोनों पे, तो एलुमिना कह रहा है कि मैं बेंड नहीं होऊंगा, एल्यूमिनियम क्या कह रहा है मैं बैंड नहीं होऊंगा, और ये कह रहा है मैं बैंड हो जाऊंगा, इसका मतलब स्टिफनेस किस, ये रिजिडिटी किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है इसकी रिजिडिटी कम है। ठीक है, तो ये स्टिफनेस है। द नेक्स्ट वन इज हार्डनेस, हार्डनेस क्या है, हार्डनेस द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट इंडेंटेशन, जो इंडेंटेशन को रजिस्ट करता है उसको बोलते हैं हार्डनेस। अब देखिए इसमें, देखिए फाइन सिरामिक और स्टेनलेस स्टील में इंडेंटेशन, यहाँ लार्ज इंडेंटेशन हुआ है तो ये रजिस्ट ही नहीं कर पाया। सिमिलर ये रोड इसके अंदर ज़्यादा जा रही है और ये वाली कम जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये वाली जो है ये वाला, इसमें इंडेंटेशन ज़्यादा हो रहा है इसमें कम हो रहा है, ये इंडेंटेशन को रजिस्ट कर रहा है, कह रहा है कि मैं इंडेंटेशन होने नहीं दूंगा इसलिए ये हार्ड मटेरियल, ये कह रहा है कि इंडेंटेशन होने दूंगा तो ये सॉफ्ट मटेरियल है। एक बार फिर देखते हैं, तो हार्डनेस भी आपको समझ पा, दिस इज नोन एज हार्डनेस। This is known as hardness. This is known as hardness. ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टफनेस। देखिए टफनेस क्या होती है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच एनेबल्स इट टू एब्जॉर्व एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर। ये जो मटेरियल है इसकी एबिलिटी है कि ये एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा विदाउट फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने ही नहीं देगा। जैसे मैं इस पे हैमर अप्लाई कर रहा हूँ तो ये बेंड हो रहा है, इस एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है लेकिन फेलियर नहीं हो रहा है, फ्रैक्चर नहीं हो रहा है। इसमें देखिए फ्रैक्चर हो गया, टूट गया ये, तो ये टफनेस। ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं वो कम टफ होते हैं और डक्टाइल मटेरियल ज़्यादा टफ होते हैं। ठीक है, टफनेस इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच एनेबल्स इट टू एब्जॉर्व एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर। ठीक है, सो दिस इज नोन एज टफनेस, ये जो है हमारी टफनेस है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज, देखिए एक और चीज मैं बताता हूँ, डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल में फेलियर कैसे होता है। ठीक है, जो हमारा डक्टाइल मटेरियल है ये देखिए, जब हम इसको पुल कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका जो है एरिया धीरे धीरे यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ये तो ब्रेक ही हो गया, ब्रिटल मटेरियल लोड अप्लाई कर रहे हैं ये ब्रेक ही हो गया है। इसमें जो फेलियर होता है वो डक्टाइल मटेरियल में जो फेलियर होता है वो 45 डिग्री एंगल प्लेन पे होता है लाइक दिस। हाँ, ये एक हमारा मटेरियल है, इसको हमने पुल किया, ऐसे खींचा, तो इस ये जो है इसका यहाँ पे एरिया पहले रिड्यूस हुआ था फिर फेल हुआ डक्टाइल मटेरियल में। तो ये जो एंगल है देखिए, ये हमारा लोड लाइन ऑफ एक्शन था, ये जो है फेलियर जो हुआ, ये जो एंगल है ये वाला, दिस इज 45 डिग्री एंगल, ये जो एंगल है 45 डिग्री एंगल है। तो इसका जो प्लेन
जो इस प्लेन पे फेल होगा वो 45 डिग्री एंगल पे होगा, लेकिन ब्रिटल मटेरियल में जो एंगल होगा, ये मान लो ब्रिटल मटेरियल का फेलियर हो गया, हमने लोड लगाया था, ये टूट गया, इसका जो फेलियर होगा लाइन ऑफ एक्शन से, ये जो प्लेन है फेलियर प्लेन, वो 90 डिग्री एंगल पे होगा। ठीक है, तो ये डक्टाइल और ब्रिटल की एक डिफरेंस था। स्ट्रेंथ क्या होती है? द स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल रेफर टू इट्स एबिलिटी टू सपोर्ट ए हैवी लोड विदाउट ब्रेकिंग और टीयरिंग, मतलब कि कितना हैवी लोड वो बियर कर सकता है विदाउट फेलियर, रजिस्ट कर सकता है कितना। अब मान लो एक तरफ स्टील है और एक तरफ पेपर है, कौन सा ज़्यादा लोड, स्टील जो है वो ज़्यादा लोड सपोर्ट करेगा, ये वाला कम करेगा, तो इसकी जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी कम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, अभी स्टिफनेस और स्ट्रेंथ में क्या अंतर होता है। स्ट्रेंथ जो होता है कि हार्ड टू ब्रोकन, बहुत आसानी से ना टूटे, और स्टिफनेस होता है हार्ड टू डिफॉर्म, बहुत आसानी से डिफॉर्म ना हो। हमारा जैसे कांच है, ग्लास है, इस पर लोड अप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये क्या डिफॉर्म होगा, ये ऐसे होगा नहीं होगा कभी भी, तो ये बिल्कुल ऐसी अवस्था में रहेगा। लेकिन ये ज़्यादा लोड अप्लाई कर दिया तो टूट जाएगा, तो इसकी स्ट्रेंथ कम है लेकिन रिजिड है, ये स्टिफनेस ज़्यादा है क्योंकि ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। जैसे स्प्रिंग है, अभी इस पर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा इजीली। अगर जो इजीली डिफॉर्म होगा उसकी स्टिफनेस कम है, ठीक है, लेकिन ये टूटेगा नहीं, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस मैं बता चुका हूँ, इस वाली इमेज में भी हम देख सकते हैं, एबिलिटी टू रेजिस्ट इंडेंटेशन, इसमें देखिए इंडेंटेशन कम हो रहा है, इसमें ज़्यादा, तो ये वाला जो है हार्ड मटेरियल, इंडेंटेशन ज़्यादा हो रहा है। सो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने आपको दिखाई, सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की वन बाय वन, आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। और अगर आप बहुत सारी अपडेट्स चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आगे लेक्चर बनाता रहूँगा सारे सब्जेक्ट पे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, एज़ वेल एज़ अगर मेरे सब्सक्राइबर जो है बढ़ते ही जाते हैं तो और भी ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा और मैं और भी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाता रहूँगा। तो ये देखिए हमने डिस्कशन करा था इस प्रॉपर्टीज़ पे, सारी प्रॉपर्टीज़ पे, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, स्टिफनेस, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, टफनेस, ये प्रॉपर्टीज़ थी सारी। थैंक यू वेरी मच।